नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। आज वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप की जयंती है और इस मौके पर एक बहुत बड़ी भव्य प्रतिमा का अनावरण, जो कि चित्तौड़ की महारानी पद्मावती की प्रतिमा भोपाल के मनुआ भान टेकड़ी पर इसकी स्थापना करी गई है और आज इसका अनावरण किया गया है। मनुआ भान टेकड़ी भोपाल की सबसे ऊंची जगह है और एक बहुत बड़ा दर्शनीय स्थल है। इस मौके पर महाराणा प्रताप के वंशज लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उपस्थित रहे। आप देख सकते हैं कितनी भव्य प्रतिमा है, अपने आप में अलग ही दिखाई देती है ये महारानी पद्मावती की भव्य प्रतिमा। साथ ही वहाँ पर राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के प्रदेश अध्यक्ष और कई पदाधिकारी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है उसके कई मंत्री वहाँ पर मौजूद रहे और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ये मौका रहा कि आज इतनी बड़ी भव्य प्रतिमा का अनावरण भोपाल की मनुआ भान टेकड़ी, जो कि एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है भोपाल का, और महारानी पद्मावती का इतना बड़ा भव्य वहाँ पर जो ये आप स्टैचू जो ये प्रतिमा देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार है। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और जितने भी जो सभी वहाँ पर नेता थे, चाहे सीएम शिवराज सिंह हो, चाहे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो, सभी ने उसके बाद वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर जो जयंती समारोह रखा गया था भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में, वहाँ पर वो सभी लोग पहुँचे और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को आज उनकी जयंती के अवसर पर सभी ने याद किया। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का वहाँ पर सभी ने बहुत ज़्यादा सम्मान किया, स्वागत सत्कार किया। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, आप सभी को बताते चलें कि चित्तौड़ जो कि मेवाड़ राज परिवार है उसके फिलहाल राजकुमार हैं। उनके जो पिता हैं अरविंद सिंह मेवाड़, वो फिलहाल जो मेवाड़ राज परिवार हैं उनके महाराजा हैं। तो इस मौके पर वो वहाँ पर उपस्थित रहे और महारानी पद्मावती के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम और महाराणा प्रताप की जयंती समारोह में उन्होंने उपस्थिति दर्ज कराई और अपने भाषण से जो राजपूत शौर्य वीर गाथा के जो पूरे देश के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, जो पूरे देश के लिए एक स्वाभिमान का प्रतीक हैं महाराणा प्रताप, उन सभी ने उनको याद किया और उनको नमन किया। बाकी ये न्यूज़ अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद जय भारत।